नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री सीताराम। मेरा नाम अनुप्रीति रावत है और मैंने अभी UGC नेट का जो परीक्षा परिणाम आया है उसमें मैंने नेट JRF क्वालिफाइड किया है और इसके लिए सभी गुरुजनों का हृदय से बहुत बहुत आभार, और सबसे ज़्यादा आभार है योगेश सर का, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने अपनी तैयारी की। मैंने अपनी प्रारंभिक तैयारी शुरुआत से ही, जब मुझे कुछ भी नहीं पता था तब से लेकर अब तक, मैं सर के माध्यम से ही यहाँ तक पहुँची हूँ। और मुझे याद है जब मैंने पहली बार सर से क्लास ली थी, प्रथम बार जब मैं क्लास में जुड़ी थी, तब सर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अनुकृति मैम, विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने कितने विकृत स्वर माने हैं बताइए। तो मुझे उस समय वो नहीं पता था। तो उस स्तर से आज यहाँ तक हम पहुँचे, इस बात के लिए बहुत बहुत थैंक्स टू यू सर। आपने हमें इतना पढ़ाया, इतने अच्छे से सारे टॉपिक्स क्लियर कराए और हर एक एक टॉपिक्स को क्लियरली हमें एक्सप्लेन किया, और हमें हमेशा ये सिखाया कि क्वेश्चंस करना और रट्टा मार के पढ़ना ये सब एक लिमिट तक ही रहता है, लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हमें चीज़ें समझ आएंगी, तो हम उससे हज़ारों क्वेश्चंस कर लेंगे। यू 100 क्वेश्चंस, 500 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिए, वो अलग चीज़ है, उससे हमें उतना समझ नहीं आता। लेकिन सर हमेशा कहते हैं क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आएगा तो क्वेश्चंस अपने आप आपसे बनेंगे, और मैं सर की बात पर ही अमल करती हूँ। और मेरा सभी से यही सभी को सुझाव होगा कि सर से जुड़ें और बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, उसके बाद आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दें, रिजल्ट आपके सामने। और मेरा एक और सभी से विनम्र आग्रह रहेगा कि आप सब जो भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सर के माध्यम से कर रहे हैं या किसी भी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में कर रहे हैं, तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि संगीत एक अनुशासनपूर्ण और गुरु शिष्य परंपरा का विषय रहा है। तो आप ये ना समझें कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ रहे हैं या पैसे देकर पढ़ रहे हैं या कुछ भी, आप अपने गुरु के प्रति समर्पित भाव रखें, क्योंकि संगीत हमें यही अनुशासन सिखाता है। और सबसे मेरा विनम्र आग्रह है कि संगीत की मर्यादा को, हमारे अनुशासन को बनाए रखें, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये बात जानने को मिले कि हाँ, गुरु के प्रति भाव रखें तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। पढ़ लिख कर जानकारी प्राप्त करके हम प्रतियोगी परीक्षाएं निकाल सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, लेकिन संगीत के मर्म को हम तभी समझ सकते हैं जब हमारे अंदर भी गुरु के प्रति भाव हो। और अगर हम गुरु के प्रति निष्ठा रखेंगे तो हमें भी आगे वही देखने को मिलेगा आगे आने वाली पीढ़ी से। तो इसलिए सभी से आग्रह है कि गुरु के प्रति समर्पित भाव रखें। सर हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करके, कठिन परिश्रम करके हमारे लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करते हैं, हर एक संगीत संबंधी सूचना हम तक पहुंचाते हैं, हमें हर चीज़ से, आगामी परीक्षाओं से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो, हर चीज़ से अलर्ट रखते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने गुरु के प्रति निष्ठा भाव रखें, गुरु के प्रति समर्पित भाव रखें, जिससे कि सर का भी और लगाव हमसे रहे। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि मुझे जीवन भर हमारे गुरु का, हमारे सर का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो। आज हम इस स्तर तक पहुँचे हैं, सर का बहुत बहुत आभार। मैं जब से सर से जुड़ी हूँ तब से एक लगन सी रही है कि नहीं, पढ़ना है, कुछ करना है। इसलिए नेट, मेरा 2 बार नेट क्वालिफाइड हुआ, नेट के बाद 3री बार अभी JRF हो पाया है, और सर के आशीर्वाद से निकट भविष्य में बहुत मेहनत करूँगी और अपने सपनों को, सर के सपनों को साकार करने के लिए मैं खूब मेहनत करूँगी। तो सभी से मेरा आग्रह है कि गुरु के प्रति समर्पित भाव ज़रूर रखें और संगीत के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें। सभी को जय श्री राम, थैंक्स टू ऑल, एंड सर का बहुत बहुत आभार कि हमें इतना मार्गदर्शन दिया और इस स्तर तक पहुँचाया। आज हम बहुत खुश हैं कि हम भी जीवन में कुछ कर पाए। थैंक यू सो मच।